मध्य प्रदेश में 25 जुलाई से 10वीं क्लास से 12वीं तक स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए, लेकिन पालक संघ स्कूल खोले जाने का विरोध कर रहे हैं। पालक संघ का कहना है कि स्कूल में कोविड गाइडलाइन का पालन सरकार कैसे करवाएगी, जबकि इस दिशा में अभी कोई काम नहीं हुआ। साथ ही तीसरी लहर का खतरा है जो बच्चों पर ज्यादा असर करेगी। ऐसे में स्कूल खोलने की बात करना, वो भी बगैर तैयारी के, कैसे संभव है? जहाँ पालक संघ ने मांग की कि बच्चों का बीमा करवाया जाए, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ ही स्कूल खोले जाए और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाए। 11वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि पालक संघ इस आदेश का पालन नहीं कर रहा है। स्थिति में बच्चों की सुविधा के लिए क्या रहेगा? स्कूल खोलने के आदेश तो शासन द्वारा दिए गए हैं, मगर स्कूल में क्या व्यवस्थाएं रखी जाएंगी? पालक संघ का कहना कि बच्चों को बीमा कराना, बच्चों की सुविधा सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम होंगे स्कूल में? हमारे बच्चे स्कूल तो पढ़ने जाएंगे, बाकी स्थिति में आज हम गुरुकुल स्कूल के प्रबंधक जी हैं, उनसे बात करेंगे कि स्कूल में क्या व्यवस्थाएं करवा दी गई। जो जैसा कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश है, हमको 11th और 12th के स्कूल ओपन करना है। इसके लिए हमने क्लासरूम्स को सैनिटाइज कराना प्रारंभ कर दिया है और ये व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहेगी कि जब छात्र छात्राएं स्कूल आएंगे तो उनका टेम्परेचर चेक हो, प्रत्येक छात्र का मास्क की अनिवार्यता हो और जो भी स्टाफ हमारा रहे वो पूरा वैक्सीनेट हो, इसका हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और बच्चों के जो सिटिंग अरेंजमेंट हैं वो भी इस प्रकार किए जाएंगे कि दो छात्रों के बीच में कम से कम 4 से 5 फीट की दूरी जो शासन के निर्देश अनुसार रहे वो बनी रहे। शासन के निर्देश है कि बच्चों को कितने दिन यहाँ पर कितने बच्चों को एक क्लास में बैठा लेंगे, ये आपको जानकारी होगी तो बताना आप क्या मामला है। अभी शासन की तरफ से एसओपी नहीं आई है, जैसे भी कोई एसओपी या गाइडलाइन हमारे पास आती है उसके आधार पर हम कार्य करेंगे। जी, कोरोना काल में आपकी क्लासों में काफी व्यवस्थाएं चाहिए बच्चों को, जैसे सोशल डिस्टेंस का पालन होना चाहिए, बाकी जो क्लास में जो बैठने के लिए चेयर होती है बच्चों को उनकी व्यवस्था होना चाहिए, आपको सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाना पड़ेगी, काफी कर्मचारी आपके लिए तैनात रहेंगे। इस स्थिति में आप कोरोना काल से 2 वर्ष से जूझ रहे हैं, कैसे आप मैनेज कर पाएंगे बच्चों को? देखिए, निश्चित ही एक बहुत बड़ा विषय है कि अब आने वाले समय में जो व्यवस्थाएं बनेंगी वो उनमें हर स्कूल संचालक को काफी आर्थिक रूप से नए नए खर्चों से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, अलग स्टाफ की व्यवस्था हो। परंतु मुझे मेरा मानना यह है कि अब ये संकट का समय है, हम सबको मिलकर ये काम करना होगा। और निश्चित ही जैसा कि आपने बताया कि अगर छात्रों का भविष्य हमको सुधारना है तो उनकी नींव मजबूत होना आवश्यक है, इसलिए उनका बेस कमजोर ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कक्षाओं में आए। हम यहाँ उनको ऐसी व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास करेंगे जिससे उनको किसी भी प्रकार का संक्रमण होने की खतरा ना रहे। इस स्थिति में आज गुरुकुल स्कूल के प्रबंधक जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम स्कूल को लगाएंगे, शासन की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करेंगे और बच्चों को स्कूल में भी अपने सिस्टम से पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इस स्थिति में प्रबंधक जी ने बताया कि मेरे स्कूल में सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं बच्चों को आने जाने के लिए। आप देख सकते हैं ये गुरुकुल स्कूल, आप देख रहे हैं टोटल यहाँ पर व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंस का भी काफी, सैनिटाइजर की व्यवस्था भी हर कक्ष में करवा दी गई है। इस सैनिटाइजर की व्यवस्था से काफी 11वीं से 12वीं तक के काफी बच्चे आएंगे यहाँ पर स्कूल में, शिक्षक भी तैनात है, सभी सुरक्षा कर्मी भी तैनात है, बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम भी करवाए जा रहे हैं। कैमरामैन लियाधर साहू के साथ साधना न्यूज से पवन सिलावट, रायसेन।